हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवरात्र आने वाले हैं, गाड़ी प्लान कर रहे होंगे परचेज करने के लिए। ह्यूंडई ने लेटेस्ट अपडेट के साथ i20 फिर से लाके हाजिर कर दिया आप सबके सामने, कुछ नए डिजाइन के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ। आज आपको बताएंगे जो सबसे ज्यादा सोल्ड होने वाला वेरियंट है ह्यूंडई का i20 में, वो है स्पोर्ट, जिसमें आपके बेसिक रिक्वायरमेंट फीचर सारा कुछ ही कवर हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सारे फीचर एडवांटेज, क्या फायदे होते हैं इस वेरियंट के लेने में, क्या एडवांटेज है, क्या फीचर है। आज दोस्तों बताएंगे क्या अपडेट्स आए हैं, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो मेजर चेंज आप जो ह्यूंडई लेके आई है फेसलिफ्ट i20 में, वो क्या है कि जो फ्रंट ग्रिल है, फ्रंट का जो पूरा पैरामीटर डिजाइन है, वो सारा कुछ चेंज हो चुका है दोस्तों। तो अब हम बात करें डिजाइन की, तो जैसे पहले हेलोजन हेडलैम्प आते थे, वैसे भी अभी भी हेलोजन हेडलैम्प दिए हैं, बट दोस्तों DRL का डिजाइन चेंज कर दिया है। बट अब एक मेजर चेंज आप जो देख रहे हैं, इसमें फॉग लैंप्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों, अब इसमें फॉग लैंप नहीं आ रहे हैं इसकी, बट इसकी जगह DRL सी आपको देखने को मिल रही है। बट अगर एक और चीज आप देखिए, थोड़ा सा जो डिजाइन पैटर्न है इसका, थोड़ा सा स्लोपी डाउनफॉल हो चुका है, जिसके कारण आप फॉग लैंप्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं रहती दोस्तों। जो लाइट है आपकी फॉल ऑन आगे ही करेगी, जिसके कारण आपको विजिबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। साथ में अगर DRL की बात करें, DRL एक फॉग लैंप का काम भी करते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट की जो लाइट है वो अच्छी पड़ती है। अगर हम फ्रंट ग्रिल की बात करेंगे दोस्तों, जो फ्रंट ग्रिल है, जो गाड़ी की ग्रिल आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रिल है अब नया डिजाइन के साथ आ चुकी है, इसे हम पैरामेट्रिक डिजाइन कहते हैं। तो ये पैरामेट्रिक डिजाइन है जो कि गाड़ी को एक बोल्ड, अट्रैक्टिव और एक मस्कुलर लुक प्रोवाइड करता है। और साथ में ही अगर आप नीचे की तरफ को आप देखें थोड़ा सा, ह्यूंडई ने कोशिश की है एक आपको प्रीमियम गाड़ी के साथ एक स्पोर्टी लुक गाड़ी में प्रोवाइड करने की। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी स्किड प्लेट है, सिल्वर फिनिश के साथ आपको देखने को मिल रही है, ब्लैक पेंटेड आपको साइड में कॉर्नर मिल जाते हैं, और इससे क्या है, गाड़ी की अट्रैक्शन है बहुत अच्छी मिल जाती है, और गाड़ी अट्रैक्टिव लगती है, स्पोर्टी लगती है गाड़ी। अगर रोड प्रेजेंस की बात करें तो रोड प्रेजेंस इन्हीं चीजों से, छोटी छोटी चीजों से निकल के आती है दोस्तों। साथ में अब ह्यूंडई ने क्रोम के साथ छोड़ के अब आपको सेटन क्रोम में दे दिया है लोगो अपना, जिसके कारण क्या है आपकी थोड़ी सी डिफरेंट चीज आ जाती है। क्रोम जो है थोड़ा शाइन करता है, बट अगर हम इसकी इसकी बात करेंगे, ये थोड़ा शाइन नहीं रहता है, रफ रहता है, या फिर आप कह सकते हैं मैटी रहता है, जिसके कारण थोड़ी सी लुक्स जो है गाड़ी की लोगो की डिफरेंस आ जाती है दोस्तों। तो ये चीज है। अगर हम डिजाइन की बात करें तो पहले की तरह ही आपको करेक्टर सिक्स लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है दोस्तों। आप इसमें देख सकते हैं कि करेक्टर सिक्स लाइन है, सेंटर में भी आपको करेक्टर सिक्स लाइन देखने को मिल रही है। ये गाड़ी को एक तो एरोडायनेमिक्स प्रोवाइड करता है, जब गाड़ी हवा में से चीरती हुई निकलती है हाई स्पीड पे, तो गाड़ी की बैलेंसिंग करता है ये चीज, तो एक बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों। जितना करेक्टर सिक्स लाइन होगी डिजाइन के अकॉर्डिंगली, उतनी ही गाड़ी आपकी अच्छे से विंड कटिंग करेगी और अच्छी परफॉर्मेंस देगी दोस्तों। अगर हम बात करें ह्यूंडई की, विंडस्क्रीन, वाइड विंडस्क्रीन मिल गई दोस्तों आपको। ह्यूंडई हमेशा अपने विंडस्क्रीन पे आपको एक रोड साइड असिस्टेंस का नंबर भी प्रोवाइड करती है, कि इमरजेंसी का भी आपको जरूरत पड़े तो आप रोड साइड असिस्टेंस यूज कर सकते हैं दोस्तों। और आपको सनशेड भी मिलता है दोस्तों देखने में, यहाँ देख सकते हैं आप सनशेड है। तो सनशेड का बेनिफिट ये होता है कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो लाइट, सनलाइट जो है आपकी डायरेक्टली आईज में ना पड़े, तो उसके कारण ह्यूंडई ने ये चीज भी प्रोवाइड कर दी कि आपको सनशेड आपको सेंटर में दे दिया गया है। ह्यूंडई में हमेशा की तरह बताता हूँ, एक मॉडर्न कंपनी है, न्यू लुक्स के साथ डिजाइन देती है। एक छोटे छोटे से जो फीचर होते हैं, जैसे विंडशील्ड वॉशर है, जो ह्यूंडई का विंडशील्ड वॉशर है ये पूरा स्प्रिंकल वॉशर है, मतलब कि गाड़ी पे पूरा स्प्रिंकल होता है, ये नहीं है कि पूरा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है, पूरा विंडशील्ड वॉश होके ही आता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो वॉशर पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, नॉर्मल गाड़ी में आपको बोनट्स पे देखने को मिलते हैं, वो एक ऑडनेस लगता है, एक ऐसे लगता है कि अनकम्प्लीट गाड़ी रह गई है। अगर आप ह्यूंडई में देखेंगे आपको इस चीज की कमी नहीं मिलेगी दोस्तों, इसमें आपको छुपा रुस्तम कह सकते हैं, विंडशील्ड वॉशर आपको छुपे में ही आपको मिल जाता है, और अच्छा लगता है, फिनिश क्वालिटी अच्छी लगती है दोस्तों। तो दोस्तों कैमरामैन जी थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, अब हम दिखाते हैं साइड प्रोफाइल, दिखाते हैं गाड़ी की। जो साइड प्रोफाइल है दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव, थोड़ी सी चेंज की गई है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो दोस्तों जो टायर साइज है दोस्तों 16 ही है, पहले भी 16 इंच का आता था, अब भी 16 इंच का है, बट आप ये स्टाइलिश व्हील देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव स्टाइलिश कर दिया गया है पहले से ज्यादा। तो पहले आता था ग्रे कलर का स्टाइलिश व्हील, अब आता है सिल्वर टच के साथ। अब देखिए जहां जहां कंपनी ने सिल्वर और सैटन टोन की मैचिंग दे दी है, वहां वहां से आप गाड़ी देखिए, गाड़ी की बोल्डनेस निकल के आ रही है। अब ये गाड़ी थोड़ी सी और स्पोर्टी लगने लगी है, पहले तो स्टाइलिश थी, अब और स्टाइलिश लगने लग गई है। प्लस अगर आप गैप देखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा गैप है टायरों के बीच में, 16 इंच के टायर के साथ आपको इतना गैप मिलना,
तो इसका मतलब यह कि आपका सस्पेंशन खड्डों में भी बहुत अच्छा काम करेगा, तो एक बहुत अच्छी बात होती है। और साइडों में भी देखेंगे तीन तीन चार चार उंगली का स्पेस है, जो कि एक बहुत अच्छा कटिंग के लिए बहुत अच्छा है, लगभग आपकी कटिंग भी गाड़ी की अच्छी रहती है। साथ में देखेंगे आपको डिस्क आगे देखने को मिल जाएंगे, और आपको क्लिपर के साथ एबीएस ईबीडी के साथ ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो स्टाइलिश व्हील होते हैं इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको एवरेज अच्छी मिल जाती है, पर लुक्स अलॉय व्हील जैसी मिल जाती है, होते ही ये रिमी है दोस्तों। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स में अपडेट नया। तो दोस्तों उसके साथ ही ओवरम के ऊपर इंडिकेटर मिल जाते हैं, जब साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको वार्निंग मिल जाती है कि गाड़ी टर्न ले रही है, तो मैं भी गाड़ी कंट्रोल कर लूं। और एक अट्रैक्टिव लुक भी देता है ये इंडिकेटर ऑन ओवरम, तो एक बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। उसके साथ लुक्स को और बढ़ा देता है ये दोस्तों, अगर आप गार्निश देखेंगे, ये जो क्रोम गार्निश है बहुत इनबिल्ट दे दी गई है। सबसे पहले मतलब आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, साथ ही आपको एक क्वालिटी अच्छी लुक्स प्रीमियमनेस का मजा आपको ये चीज देती है दोस्तों। साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, एक तो एरोडायनामिक्स प्रोवाइड करती है, गाड़ी को बैलेंस करती है हाई स्पीड पे, दूसरा और गाड़ी की लुक्स को थोड़ा डिफरेंट भी कर देती है, सिंपल मैटिक नहीं रहती, थोड़ी मॉडर्न और स्टाइलिश लगती है दोस्तों। साथ ही अगर देखेंगे थोड़ी सी अट्रैक्टिव देने के लिए कंपनी ने स्किड्स प्लेट साथ में नीचे ब्लैक कलर की दे रखी है। साथ में अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे दोस्तों, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है हाईवे और प्लेन्स के लिए चलाने के लिए, और पहाड़ों में भी लेके जाएंगे तो डिसेंट ड्राइव हो जाती है अगर आपको स्मूथली ड्राइव करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग इसकी मिल जाती है नियर अबाउट 170 के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, 167 से 170 के बीच में भी ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें मिल जाती है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे, जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि कैसा स्पेस है, बूट स्पेस अच्छा है या नहीं है, वो सारा कुछ दोस्तों अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब मैं गाड़ी की डिग्गी खोलता हूँ, अब मैं इनग्रेस करके दिखाता हूँ, इनग्रेस अब मैंने सीट पूरी पीछे की हुई है दोस्तों, ताकि आपको पता लग सके कि भाई स्पेस है या नहीं है। तो इसमें आपको दोस्तों पता लग सकेगा कि लेगरूम है या नहीं है। तो दोस्तों मैंने सीट पूरी ही टोटली पीछे कर दी है, ऐसा नहीं रखा है कि थोड़ी सीट पीछे की हुई है और आगे की हुई है, पूरी पीछे कर दी है, तभी मैं दोस्तों अच्छे अच्छा खासा कंफर्टेबल बैठा, मुझे कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अगर मैं थोड़ी सिंपल में सीट रखता हूँ, जैसे ये नॉर्मल सीटिंग है, ये नॉर्मल पोजीशन है गाड़ी की सीट की, तो तब भी मेरे का लेगरूम अच्छा खासा आ जाता है दोस्तों। ऐसे नहीं कि मुझे कोई परेशानी आ रही है, मैं डिसकंफर्टेबल से बैठा हूँ। प्लस थाई सपोर्ट ज्यादा अच्छा हो गया दोस्तों, पहले से ज्यादा कुशनिंग ज्यादा स्मूथ हो गई है, अच्छा महसूस हो रहा है। अगर मैं लॉन्ग जर्नी के लिए जाऊंगा तो मैं कंफर्टेबली महसूस करके जाऊंगा, इसमें कोई मुझे दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है दोस्तों। हेडरूम भी बड़ा अच्छा है दोस्तों, कैमरा मैन थोड़ा सा नजदीक आके दिखाएं, तो अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो एक अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है, जो कि एक बहुत है। मैंने टर्बन टाई की हुई है तब भी मुझे हेडरूम अच्छा खासा मिल जाता है, सेंटर लाइट मिल जाएगी दोस्तों। प्लस अगर हम इंटीरियर की बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ड्यूलिश इंटीरियर कर दिया गया, पहले ब्लैक इंटीरियर आता था, बट अब ड्यूल इंटीरियर करने के कारण गाड़ी जो है थोड़ी सी बड़ी लगने लगी है, अंदर से स्पेस ज्यादा दिखने लगा है, क्योंकि ब्लैक कलर में आप मोस्टली देखेंगे थोड़ी छोटी छोटी सी कार लगती है, पर चाहे साइज गाड़ी का वही हो पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील आता ही आता है दोस्तों। उसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, एसी वेंट मिल जाता है, फोन होल्डिंग मिल जाता है दोस्तों, बहुत एक अच्छी चीज है दोस्तों। प्लस आपको Hyundai 3-point बेल्ट सिस्टम देती है, जिसके कारण अगर आप सेफ्टी की बात करेंगे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये बेल्ट है आप यहाँ से लगा के ऐसे 3-point सेफ्टी के लिए आप इसे यहाँ पे कहीं पे भी लगा के आपको सिस्टम दिया जाता है, वहां पे आप ये सॉरी ये मैं गलत ले गया था, पर ये वाला होता है, तो हम ये वाला बेल्ट लगा के यहाँ पे सेफ्टी गन लगा के बैठ सकते हैं। तो उसमें 3-point बेल्ट सिस्टम आता है दोस्तों, पहले नहीं आया करता था ये सेफ्टी फीचर, अब कंपनी ने देना शुरू कर दिया है कि हाँ भाई अब बेल्ट लगानी जरूरी है पीछे वाले बंदे के लिए भी, और ताकि सेफ्टी बनी रहे पीछे वाले की। तो ये आपको 3-point बेल्ट सिस्टम देखने को इसके अंदर मिल जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छी सेफ्टी। हाँ पहले क्या होता था कि Hyundai आपको रिमूवेबल हेडरेस्ट देती थी, बट अब कंपनी ने फिक्स हेडरेस्ट कर दिए, ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट हाउएवर बट मुझे ये है कि लगता है कि पहले जब हेडरेस्ट दिए जाते थे कंपनी से इनबिल्ट रिमूवेबल, तो लोग निकाल दिया करते थे क्योंकि उन्हें डिस्कम्फर्टेबिलिटी महसूस हुई थी, क्योंकि थोड़े बाहर को निकले होते थे। अब डिफरेंस है कि कंपनी ने इनबिल्ट दे दिया है, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चुप भी नहीं रहे कि अगर आप पीछे को होकर बैठ के लगा के हेडरेस्ट बैठना भी चाहेंगे तो इजीली बैठ सकते, कोई ऐसा आपको डिस्कम्फर्टेबिलिटी नहीं महसूस होती दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों बाहर आके दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है मुझे, बड़े ही इजीली तरीके से मैं बाहर आ गया हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है मुझे, बड़े अच्छे तरीके से मैं बाहर आ चुका हूँ गाड़ी में से। तो और एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये जो आपका पैनल है साइड दरवाजों का, तो ये भी चेंज हो चुका है दोस्तों, पहले पूरा ब्लैक आया करता था, अब आपको ड्यूलिश मिल गया है, बहुत अच्छा दे दिया अट्रैक्शन। प्लस आपको ये मेटल फिनिश में, आपको ग्रे कलर की फिनिश में आपको ये भी डोर हैंडल्स मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, प्लस 1 लीटर की बॉटम होल्डिंग मिल जाएगी, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जब आपको ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ देखनी पड़ती है दोस्तों। अगर हम
और बात करेंगे छोटे छोटे फीचर। आप फ्यूल जब आप भराने जाते हैं तो आपको लिड ओपन करनी पड़ती थी नीचे से, बट अब दोस्तों क्या हो चुका है, आपको कंपनी ने गाड़ी अनलॉक कीजिए ऊपर से, जैसे आप सेंट्रल लॉकिंग अनलॉक करते हैं उसके बाद बस आपने यहाँ से प्रेस करना है तो आपकी फ्यूल लिड ओपन हो जाती है बड़ी इजीली। ये इलेक्ट्रिकल आपको ऑप्शन दे दिया गया है, बहुत एक स्मार्ट प्रीमियम फीचर है जो कि आपको सिर्फ प्रीमियम गाड़ियों में ही देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये चीज आ गई है दोस्तों आपकी। अब दोस्तों अब हम चलेंगे साइड प्रोफाइल पे, साइड प्रोफाइल कैसी है। तो अब पिछली साइड हम आ चुके हैं गाड़ी के, बैक साइड जितनी अट्रैक्टिव होगी गाड़ी उतनी प्रोफाइल अच्छी लगती है, डिसेंट लगती है कि आपका जो पीछे वाला ड्राइवर गाड़ी को देख के कहे भाई क्या गाड़ी रखी है बंदे, लुक्स वाइज अच्छी लगनी चाहिए। तो दोस्तों हुंडई हमेशा इन चीजों पे काम करती है, हुंडई ने फिर से एक नया चेंजेस दिखाया आपको पीछे स्पोर्ट्स वेरिएंट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो बम्पर है गाड़ी का वो अब ट्रिपल टोन में हो चुका है, पहले सिंगल टोन में आया करता था, अब ये कंपनी ने ट्रिपल टोन में दे दिया, बहुत एक अट्रैक्शन कर दिया कंपनी ने, लुक्स को इनहांस और कर दिया, गाड़ी और अट्रैक्टिव लगने लगी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टर दे दिया गया है कंपनी ने, प्लस आपको स्किड प्लेट मिल गई है साथ में, और साथ में नीचे पोर्शन जो है आपका ब्लैक पेंटेड आपको मिल जाता है जो कि एक अच्छा अट्रैक्शन देता है, गाड़ी को बोल्डनेस प्रोवाइड करता है। साथ ही देखेंगे सैटन क्रोम में i20 का लोगो मिल जाता है, सैटन क्रोम में ही आपको हुंडई का लोगो मिलेगा दोस्तों। ये क्रोम फिनिश एक यूनिक और एक डिफरेंट चीज है दोस्तों, नॉर्मली हम ये चीजें आफ्टर मार्केट कराते हैं बट हुंडई ने स्पोर्ट्स वेरिएंट में ही आपको इनबिल्ट ये चीजें दे दी है जो कि एक बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों। साथ ही आप देख पाएंगे जेड शेप में आपको DRLs मिलती हैं जो कि एक यूरोपियन स्टाइल था दोस्तों, ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल मिक्स है, उस हाइट में देखेंगे तो गाड़ी को ऐसे जेड शेप की अट्रैक्टिव लाइट्स देखने को मिलती है। तो अब ये ट्रेंड इंडिया में भी आ चुका है, इंडिया में भी ऐसी मॉडर्न और स्टाइलिश कारें आने लगी है, बट हुंडई की ऐसी कंपनी है जो कि आपको ऐसी स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करती है गाड़ियों के पीछे से। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों बूट स्पेस की, तो जो बूट स्पेस है दोस्तों मोर देन नफ है, 311 लीटर का बूट स्पेस हो गया दोस्तों, बहुत अच्छा बूट स्पेस। साथ में आपको पार्शल ट्रे मिलती है, आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, 3 लगेज बैग आप अच्छे से रख पाओगे, अच्छी स्पेस है। उसके अलावा आपको इसके अंदर स्टेपनी मिल जाएगी, अगर आप खोल के देखेंगे स्टेपनी मिल जाती है, 16 इंच की ही स्टेपनी मिल जाती है इसके अंदर। अगर हम और चीज छोटी छोटी बातों में बात ध्यान दें, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी दी गई है कंपनी की तरफ से कि आपको बैक प्रोफाइल अच्छी है और साथ में डिग्गी अच्छी दे दी गई है जो कि एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों। गाड़ी अच्छी लगती है लुक्स वाइज भी और सेफ्टी वाइज भी, और ऐसा नहीं लगता कि हम कि इतने पैसे लगा चुके हैं 9-9.5 लाख रुपए लगा के भी आपको फीचर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, फीचर में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा गाड़ी की, जब डिग्गी बंद करने की बारी आती है उस टाइम दोस्तों, उस टाइम नॉर्मली आपको ऐसे बंद करना होता है, हुंडई छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देती है दोस्तों, तो आप ऐसे करिए यहाँ से गाड़ी डिग्गी बंद हो जाती है। उसके अलावा डी फोगर आपको मिल जाता है इस वेरिएंट में स्पोर्ट्स में जो पहले भी आ रहा था, उसके बाद टेल माउंट हाई माउंटिंग लैंप मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, प्लस स्टाइलिश शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, ये सिग्नल भी बढ़ाता है गाड़ी के और लुक्स भी बढ़ाता है गाड़ी के, तो ठीक है ये चीज आ जाती है दोस्तों। साथ ही अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ड्राइवर सीट पे क्या फीचर आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो ये है इसका ड्राइवर सीट का डोर, अब मैं ओपन कर चुका हूँ ड्राइवर सीट का दोस्तों। तो दोस्तों हम ड्राइवर डोर पे दिखाएंगे क्या क्या मिल रहा है आपको। ड्राइवर डोर पे आपको जैसे पहले भी आपको सारे फीचर मिलते थे, जैसे पावर विंडो का स्विच है, ठीक है, गाड़ी अनलॉक है, लॉक का फंक्शन है, साइड मिरर एडजस्टेबिलिटी है, फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है, साथ में एडजस्टेबिलिटी का ये आपको रोलर आ जाता है, छोटे बच्चों के लिए के पावर विंडो जो होती है लॉक करना चाहेंगे तो यहाँ से लॉक हो जाती है पीछे वाली, ये सारे फंक्शन पहले भी आते थे। बट ये जो चेंज देखने को मिलेगा दोस्तों ये है, आपको इसके अंदर ड्यूल टच आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। पहले सिंपल होता था दोस्तों ब्लैक कलर का, बट अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, गाड़ी और स्पेशियस और बोल्ड लगती है दोस्तों। साथ ही आपको 1 लीटर बॉटल होल्डिंग मिलेगी, साथ ही में मैकबुक मिलेगी, आप अपनी मैकबुक कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा अब मैं इनग्रेस करके दिखाता हूँ दोस्तों, बड़े इजिली इनग्रेस हो चुकी है गाड़ी में, बड़े कंफर्टेबली मैं इनग्रेस कर चुका हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा डिसकंफर्टेबिलिटी महसूस हो रही है दोस्तों, बड़े इजिली मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब गाड़ी के अंदर बैठ के मैंने म्यूजिक बंद कर लिया है, अब आपको बताते हैं क्या क्या फीचर है इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहला फीचर आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर पाए, तो इसमें टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिलती है जो पहले भी आती थी, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप देख पाएंगे हाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं जैसे आप करना चाहेंगे, बैक रेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है दोस्तों। अगर मैं हेडरूम की बात करूं एडजस्टमेंट के बाद भी मेरे पास बहुत अच्छा हेडरूम मिल जाता है, बहुत अच्छी स्पेस है दोस्तों, कंफर्टेबली लगता है मुझे, दिक्कत परेशानी नहीं लगती है दोस्तों। साथ ही जो मेजर मैंने चेंज नोट किया है दोस्तों वो कुशनिंग में है, हुंडई ने
अपनी सीट की कुशनिंग बहुत बढ़ा दी है गाड़ी में और अच्छा कंफर्ट आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सीट ने मुझे अच्छे से जकड़ा हुआ है, मुझे अच्छे से कंफर्टेबिलिटी महसूस करवा रही है गाड़ी। उसके अलावा दोस्तों अब आपको इसके अंदर ऑटो स्टार्ट का फंक्शन मिल जाता है, जो कि आपको नॉर्मली अब देखने को और गाड़ियों में मिल रहा है, अब आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिलेगा ऑटो स्टार्ट का फंक्शन। ये फंक्शन काम कैसे करता है, जब आप लाइट्स में कहीं रुकते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, गाड़ी ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, जब आप क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे गाड़ी को ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आप कह सकते हैं फ्यूल सेविंग होती है दोस्तों। साथ ही अगर हम बात करें की अब देखिए इसके अंदर जो की है, ये जो की है अब थोड़ी सी वरना जैसी आनी शुरू हो गई है, थोड़ी सी और स्टाइलिश लगनी शुरू हो गई है और अच्छा अट्रैक्शन दे रही है गाड़ी को, ऐसा थोड़ा सा प्रीमियम कंपनी ने और दे दिया। कंपनी चाहती है, देखिए हुंडई हमेशा एक प्रीमियम कंपनी है, प्रीमियम फीचर हमेशा ही प्रोवाइड होते हैं, तो साथ ही ऐसे ही आपको कंपनी ने फिर से एक और चीज़ दिखा दी, की में भी थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं दोस्तों। उसके अलावा ऑटो हेडलैम्प्स का फंक्शन आता है दोस्तों, रात में लाइट अपने आप जलेगी, दिन में बंद रहेंगी दोस्तों। उसके अलावा डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है दोस्तों, कैमरामैन जी थोड़ा सा दिखाएं डिजिटल क्लस्टर, ये डिजिटल क्लस्टर है दोस्तों, बहुत एक प्रीमियम गाड़ी का लुक्स का फील ही क्लस्टर से आता है दोस्तों। अगर इसी टाइम पे एनालॉग क्लस्टर होता तो मज़ा नहीं आता, बट हुंडई ने मॉडर्न सोच के अकॉर्डिंगली ही डिजिटल क्लस्टर दे दिया, बहुत अच्छा क्लस्टर है। साथ ही आपको टायर प्रेशर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, टायर प्रेशर का फंक्शन है, रीसेट कर सकते हैं, क्रूज लगा सकते हैं दोस्तों, म्यूजिक के सारे कंट्रोल दे दिए गए हैं, वाइपर वॉशर का कंट्रोल दे दिया है दोस्तों, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था दोस्तों, ये देखिए जब आप वॉशिंग जब आप वॉश करते हो गाड़ी को विंडशील्ड करोगे तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, वाइपर वॉशर इसमें अच्छे से सफाई कर देता है इसको, ठीक है, ये वाइपर वॉशर का कंट्रोल होता है दोस्तों। उसके अलावा हम फीचर की बात करेंगे तो जो मेन चीज़ देखेंगे दोस्तों, पहले आता था राउंड कट स्टीयरिंग, अब आता है दोस्तों इसके अंदर डी कट स्टीयरिंग। तो डी कट स्टीयरिंग में आपको इनग्रेंस और आउटग्रेंस बड़ी ईजिली हो जाती है, कंफर्टेबिलिटी और बढ़ जाती है दोस्तों, ये फीचर एक नया अपडेट है दोस्तों। उसके अलावा 8 इंचेस का टच स्क्रीन विद वायरलेस कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अब सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, प्लस एक कंपनी ने एक और चीज़ कर दी, आप फोन रखने की जो जगह है यहाँ पे स्पेस जो है और बढ़ा दी गई है, गाड़ी की स्पेस और बन जाने का, आप यूज़ कर यूटिलिटी कर सकते हैं, फोन रख सकते हैं, कोई आइटम रख सकते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट रख सकते हैं जो आपको बड़े इंपॉर्टेंट हो। साथ ही हैंडब्रेक आपको राइट साइड में मिलती है जो कि बड़े इजी टू यूज होती है, साथ में आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है दोस्तों, आप स्टोरेज स्पेस यूज कर सकते हैं। आर्मरेस्ट में डे नाइट मिरर का मिरर मिल जाता है आपको साथ में, यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों आपको सनशेड होल्डर मिल जाता है, आप इजीली अपने सनशेड यूज रख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। साथ ही जब इंटीरियर की बात करें तो दोस्तों मुझे जब मैं ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ तो मुझे गाड़ी ये बड़ा फील करा रही है, लेदर को ये जो क्वालिटी है लेदर का फील दे रही है मुझे, हाँ प्लास्टिक है दोस्तों बट अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, स्मेल नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और क्वालिटी भी अच्छी दे दी गई है, प्रीमियमनेस जो हुंडई प्रोवाइड करके जानी जाती है उस प्रीमियमनेस बिल्कुल टोटली इसमें इनबिल्ट है दोस्तों, कोई कमी पेशी इसमें नहीं दिख रही किसी भी तरीके से। तो और जो मेजर चेंज कंपनी ने किया है इसके अंदर, सिक्स एयरबैग इसके अंदर आप स्टैंडर्ड मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली पूरे पैरामीटर कंप्लीट कर रही है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इंजन पे, देखते हैं क्या इंजन है, क्या स्पेस दी गई है। अब मैं एडवांस भी साथ साथ करके दिखाता हूँ तो बड़े इजीली मैं आउट आ चुका हूँ, कोई ऐसे नहीं लगा मुझे डिस्कम्फर्टेबिलिटी महसूस हो रही है दोस्तों, अच्छे से मैं बाहर आ गया हूँ। तो दोस्तों उसके अलावा जब हम इंजन की बात करेंगे, जैसे पहले भी इंजन आ रहा था 1200 सीसी का, वैसे अब भी दोस्तों 1200 सीसी का कापा सीरीज का इंजन है, बहुत एक अच्छा रिलायबल इंजन है, मेंटेनेंस फ्री इंजन होता है दोस्तों, पावर सेविंग बैटरी, ABS, EBD, हिल असिस्ट, साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है दोस्तों, सिक्स एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं दोस्तों। तो हुंडई आपकी कंपनी हमेशा सेफ्टी का ध्यान दोस्तों रखती ही रखती है, इंपैक्ट सेंसिंग, डोर अनलॉकिंग होना, बल्कि गाड़ी जा रही है सडन हिट होती है कहीं से, गाड़ी पूरी अनलॉक हो जाती है, तो सेफ्टी अगर आप बेहोश भी होते हैं तो गाड़ी कोई ना कोई खोल के आपको निकाल सकता है, छोटे बच्चे बार बार डोर अनलॉक करते रहते हैं तो इसमें आपको गाड़ी 20 की स्पीड पे चलती है तो गाड़ी लॉक हो जाती है, जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप अनलॉक कर चाबी निकाल के उसे अनलॉक कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे ये सेफ्टी फीचर हुंडई देती है। हिल असिस्ट एक बहुत अच्छा फीचर है, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। तो ये सारे फीचर एडवांटेज आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एवरेज की बात करेंगे तो दोस्तों एक अच्छी एवरेज मिल जाती है, डिसेंट 15 की माइलेज लोकल में मिल जाती है, हाईवेज पे चलेंगे 17, 18, 19 चलाने पे डिपेंड है, जैसी आप ड्राइव करेंगे वैसी आपकी गाड़ी की माइलेज देगी ये गाड़ी, ठीक है। ये चीज आ जाती है। मेंटेनेंस की बात करेंगे तो अराउंड 3500-3000 का सर्विस कॉस्ट इसका आइडियल लेबर के साथ आता है, जब आपकी फ्री सर्विसेज खत्म हो जाती हैं दोस्तों, ये चीज आपको इसके अंदर हुंडई में जेन्युइन सर्विस कॉस्ट आती है, कुछ ज्यादा सर्विस कॉस्ट इसके अंदर है नहीं दोस्तों। तो ये चीज थी डिजाइन चेंजेस। तो दोस्तों फिर से ध्यान दे लेते क्या चेंजेस आए हैं गाड़ी में, ऑल ओवर हमने गाड़ी देख ली है दोस्तों कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो बेसिकली जो मेजर चेंज आया दोस्तों,
फ्रंट ग्रिल चेंज हो गई है, फ्रंट पूरा डिजाइन चेंज कर दिया कंपनी ने, टेल डिजाइन चेंज कर दिया है गाड़ी का, जो कि बहुत अच्छा चेंज किया है कंपनी ने, लुक्स वाइज इनहांस कर दिया गाड़ी को, अच्छा बना दिया है और अट्रैक्टिव दे दिया है, सेफ्टी बढ़ा दी है गाड़ी में, हिल असिस्ट दे दिया है दोस्तों, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया है, गाड़ी का इंटीरियर चेंज कर दिया है दोस्तों, प्लस इसके अंदर 3-पॉइंट बेल्ट सिस्टम भी दे दिया है कि आप पीछे से अगर कोई बेल्ट लगा के सेफ्टीली बैठना चाहेगा वो भी बैठ सकता है दोस्तों। उसके अलावा स्टेयरिंग डी कट में दे दिया है दोस्तों, बहुत एक अच्छा इनग्रेंस आउटग्रेंस का फीचर है दोस्तों, बड़े इजिली आप इनग्रेंस आउटग्रेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों i20 की अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो ऑन रोड चंडीगढ़ बिलिंग के साथ अप्रॉक्सीमेटली 9,45,000 के आसपास ये गाड़ी पहुंचती है, तो एक बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप धनतेरस पे कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों ये गाड़ी लेना एक बहुत अच्छी डिसीजन रहेगा, प्रीमियम है, नया फेसलिफ्ट है, नया डिज़ाइन है, अट्रैक्टिव है, अदर ब्रांड के कंपैरिजन भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर है, 3 साल की 1,00,000 किलोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी कंपनी दे रही है, रोड साइड असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है दोस्तों, ये बहुत अच्छा डिसीजन है परचेज करने, लॉन्ग टर्म है, लुक्स वाइज अट्रैक्टिव है, स्पोर्टी लुक है, प्रीमियम गाड़ी है, तो ये चीज़ आपको लेने में बड़ा एडवांटेज रहेगा दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, थैंक यू।